एक्सरसाइज शीट 16 माई हाउस. ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ बेटा टेल मी इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो भी राइट आंसर होगा ऑन दैट ऑप्शन वी हैव टू डू ओनली टिक मार्क. ओके यस. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन वन बाय वन. सो नंबर 1, हाउसेस इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ डैस. ऑप्शन ए इज वुड, ऑप्शन बी इज आइस एंड ऑप्शन सी इज बंबू. सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर. सो वी नो वेरी वेल ना कि हाउसेस इन हिली एरिया आर मेड अप ऑफ वुड, राइट? यस. सो वेर इज वुड? हियर. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वुड. सो वी विल टेक मार्क ऑन ऑप्शन ए. ओके यस, बिकॉज दिस इज अवर राइट आंसर. सो यू गॉट इट नंबर 1. ओके नाउ नंबर 2, हाउस बोट इज ऑल्सो नोन एज डैश. ऑप्शन ए इज हाउस ऑन व्हील्स, ऑप्शन बी इज शिकारा एंड ऑप्शन सी इज पक्का हाउस. सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर. सो वी नो वेरी वेल ना कि हाउस बोट इज ऑल्सो नोन एज शिकारा, है ना? यस. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शिकारा. सो वी विल टेक मार्क ऑन ऑप्शन बी. ओके सो यू गॉट इट नंबर 2. ओके नाउ नंबर 3, इग्लूज आर मेड ऑफ डैश. ऑप्शन ए इज ब्रिक्स, ऑप्शन बी इज वुड एंड ऑप्शन सी इज स्नो. सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर. सो वी नो वेरी वेल ना कि इग्लूज आर मेड ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ स्नो एंड आइस, है ना? बट आइस इज नॉट हियर. ओके ओनली स्नो इज हियर. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर? अवर राइट आंसर इज स्नो. ओके यस. सो वी विल टेक मार्क ऑन ऑप्शन सी, स्नो, बिकॉज दैट इज अवर राइट आंसर. ओके सो यू गॉट इट नंबर 3. ओके नाउ नंबर 4, कैरावंस आर डैश. सो ऑप्शन ए इज मल्टी स्टोरीड हाउसेस, ऑप्शन बी इज मूवेबल हाउसेस एंड ऑप्शन सी इज परमानेंट हाउसेस. सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर? सो वी नो वेरी वेल ना कि कैरावंस आर मूवेबल हाउसेस, ना? यस. सो वेर इज मूवेबल हाउसेस? हियर इन ऑप्शन बी. ओके सो ऑप्शन बी, मूवेबल हाउसेस, दैट इज अवर राइट आंसर. ओके यस. सो बेटा यू गॉट इट नंबर 4. ओके नाउ नंबर 5, भूपेन लिव्स इन द हाउसेस मेड ऑन डैश पिलर्स. ओके यस. सो ऑप्शन ए इज स्टील, ऑप्शन बी इज मड एंड ऑप्शन सी इज बंबू. सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर? सो वी नो वेरी वेल ना कि भूपेन लिव्स इन द हाउसेस मेड ऑन बंबू पिलर्स, है ना? यस और नो? यस. सो वेर इज बंबू? सो हियर इन ऑप्शन सी. ओके बंबू. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बंबू. सो वी विल टेक मार्क ऑन ऑप्शन सी. ओके यस. सो बेटा यू गॉट इट नंबर 5. ओके सो नाउ बेटा टेल मी क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यू गॉट इट वेल? यू गॉट ऑल द क्वेश्चंस? ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके फिल इन द ब्लैंक्स. सो बेटा नाउ टेल मी इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू. सो इन दिस क्वेश्चन देर आर सो मेनी ब्लैंक्स एज गिवन हियर, राइट? यस. एंड वी हैव टू फिल अप दीज ऑल ब्लैंक्स विद द राइट आंसर एंड विद द राइट स्पेलिंग. ओके सो यू गॉट इट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. ओके सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. सो नंबर 1, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हाउसेस आर बिल्ट फ्रॉम डैश और डैश. सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर? सो वी नो वेरी वेल ना कि इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हाउसेस आर बिल्ट फ्रॉम स्टोन और वुड, है ना? यस. सो हियर इन फर्स्ट ब्लैंक वी विल राइट हियर स्टोन एंड हियर इन सेकेंड ब्लैंक वी विल राइट हियर वुड. ओके यस. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टोन बेटा? सो एस टी ओ एन ई स्टोन. ओके एंड हियर इन सेकेंड ब्लैंक वी विल राइट हियर वुड. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वुड? सो डब्ल्यू डबल ओ डी वुड. ओके गॉट इट? ओके सो नाउ वी विल रीड अवर सेंटेंस वन टाइम. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हाउसेस आर बिल्ड फ्रॉम स्टोन और वुड. ओके सो यू गॉट इट नंबर 1. ओके नाउ नंबर 2, अ स्नो हाउस इज नोन एज एंड डैश. ओके सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर? सो वी नो वेरी वेल ना कि अ स्नो हाउस इज ऑल्सो नोन एज इग्लू, है ना? यस. सो हियर इन दिस ब्लैंक व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट देयर इग्लू, है ना? सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इग्लू? सो आई जी एल डबल ओ इग्लू. ओके यस. सो नाउ वी विल रीड अवर सेंटेंस वन टाइम. A snow house is also known as igloo. Okay, so you got it number 2. Okay, now number 3.
कश्मीरी ड्रिंक विच हैज आलमंड्स एंड कड़ामोम इज नोन एज डैश. ओके सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर. सो वी नो वेरी वेल ना कि द कश्मीरी ड्रिंक विच हैज आलमंड्स एंड कड़ामोम इज नोन एज कहवा है ना. यस ओके यस. सो इन दिस ब्लैंक बेटा व्हाट वी विल राइट देयर, वी विल राइट देयर कहवा. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कहवा. सो के ए एच डब्ल्यू ए कहवा. ओके यस. सो नाउ वी विल रीड अवर सेंटेंस वन टाइम. द कश्मीरी ड्रिंक विच हैज आलमंड्स एंड कड़ामोम इज नोन एज कहवा. ओके सो यू गॉट इट नंबर थ्री. ओके नाउ नंबर फोर. दे वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन डैश लेक इन श्रीनगर. ओके यस. सो बेटा व्हाट इज अवर राइट आंसर. सो वी नो वेरी वेल ना कि दे ऑल वेंट पिकनिक ऑन डल लेक दैट इज इन श्रीनगर है ना. यस. सो हियर इन दिस ब्लैंक व्हाट वी विल राइट देयर, वी विल राइट देयर डल है ना. लेक इज ऑलरेडी हियर सो वी विल राइट हियर ओनली डल. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डल. सो डी ए एल. ओके यस डल. सो नाउ वी विल रीड अवर सेंटेंस वन टाइम. They went for a picnic on Dal Lake in Srinagar. Okay, yes. So, beta, everyone got it. Number four. Okay, now number five. The roofs of houses where there is scarcity of rainfall are made of dash. Yes. So now, beta, what is our right answer? So we know very well, na, ke the roofs of houses where there is a scarcity of rainfall are made of थॉर्नी बुशेस है ना. यस. सो हियर इन दिस ब्लैंक व्हाट विल राइट देयर, वी विल राइट देयर थॉर्नी बुशेस. तो व्हाट इज, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ थॉर्नी बुशेस. सो टी एच ओ आर एन वाई थॉर्नी. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बुशेस. सो बी यू एस एच वी एस बुशेस. ओके यस. नाउ वी विल रीड अवर सेंटेंस वन टाइम. द रूफ्स ऑफ हाउसेस वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस. ओके सो बेटा यू गॉट इट नंबर फाइव. ओके सो नाउ बेटा एवरी वन टेल मी क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स. एवरी वन गॉट इट और नॉट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number three, write true or false. Okay, so now beta in this question what we have to do. So see there are so many questions as given here, right? Yes. So if our sentence will write, then here in this blank we will write there true. And if our sentence will wrong, then here in this blank we will write there false. Okay, so beta everyone got it what we have to do in this question. Okay, so now let's see the question. So number one. So number one. The number of kacha houses is more in cities. So, beta, this sentence is right or wrong. Here, what is saying to us? Here, saying to us ki the number of kacha houses is more in cities. Yes or no? So, we know very well ki no hai na. Because we know very well, beta, ki the number of pakka houses in more in cities hai na. Yes, in city we can see pakka houses, not kacha houses, right? Okay, hai na? Yes, but here, what is written here? Okay, the number of kacha houses is more in cities. So that is why this sentence is wrong. Hai na? Means false. So here, what we will write here in this blank? We will write here false. So what is the spelling of false? F-A-L-S-E, false. Okay. Yes, so you got it number one. Okay, now number two. The roof of pakka houses is made of iron or cement. Yes. So now beta in this question what is saying to us? Here saying to us ke the roof of pakka houses is made of iron or cement. Yes or no? So we know very well na ki yes hai na, the roof of pakka houses is made of iron or cement hai na. So that is why this sentence is right or wrong. So we know very well na this sentence is right. So if our sentence is right, then here in this blank what we will write there? We will write there true है ना. yes. So what is the spelling of true? T R U E, true. Okay, got it number two. Okay, now number three. A boat with a house made on it is known as a houseboat. Yes. So now beta in this question here what is saying to us? Here saying to us के a boat with a house made on it, it is known as a houseboat. Yes or no? So beta we know very well na ki yes, a boat with a house made on it is known as a houseboat hai na. Yes. So this sentence is right or wrong? So we know very well this sentence is right. So if our sentence is right, then here what we will write here? We will write here true hai na, T R U E, true. Okay, so you got it number three. Okay, now number four.
देर आर मोर देन 5 स्टोरेज इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. सो बेटा दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग. सो वी नो वेरी वेल ना कि येस देर आर मोर देन 5 स्टोरेज इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ना. येस. सो इफ अवर सेंटेंस इज राइट सो हियर इन दिस ब्लैंक वॉट वी विल राइट देर वी विल राइट देर ट्रू है ना. येस टी आर यू ई ट्रू. ओके येस. सो बेटा यू गॉट इट नंबर 4. नाउ नंबर 5. A kacha house is made up of mud. So, beta, here in this sentence, what is saying to us? He is saying to us ke a kacha house is made up of mud. Yes or no? So, beta, we know very well na ki yes, a kacha house is made up of mud hai na. Yes. So, this sentence is right or wrong? So, we know very well ki this sentence is right hai na. So, if our sentence is right, then in this blank, what we will write there? We will write there true hai na. T R U E. True. Okay, so beta, you got it number 5. Okay, so now beta, everyone tell me question number 3, right? True or false? You got it well? Okay, so now on next page. Now, question number 4, match the following. Okay, yes. So now beta, in this question, what we have to do? So in this question, we have to do matching, hai na? Yes. Look at here, two groups as given here, right? Group A and group B, okay? So in this question, we have to do matching, okay? Yes, so now let's see the questions. So number 1, snow house. Okay, yes. So now let's see ki which option is related with snow house. Hai na? Yes. So now everyone beta look at here in group B. Okay, so option A is Shikara. So Shikara is related with snow house. No. Option B is multi-storied building. So this is related with snow house. No. Option C is snow house. It is not related with snow house. Hai na? Now option D is hut. No. Now option E is igloo. So beta tell me option E igloo. It is related with snow house or yes or no? So we know very well na ki snow house is also known as igloo hai na. Yes. So that is why option E igloo is related with snow house hai na. Yes. So option E igloo is our right answer. Okay. So that is why here in first blank what we will write here? We will write option E. Okay. Because that is our right answer. Okay. So you got it number 1. Okay, now number 2, kacha house. So now let's see which option is related with kacha house. Okay, so now option A is Shikara. So Shikara is related with kacha house. No. Option B is multi-storied building. It is also not related with snow house. Hai na? Option C is snow house. No. Option D is hut. So beta, everyone tell me hut is related with kacha house, yes or no? So we know very well na ki yes, hut is related with kacha house. Why? Because hut is example of the kacha house hai na. Yes. So option D, hut is our right answer. So here in second blank we will write here option D. Okay, so you got it number 2. Okay, now number 3, houseboat. So now let's find out ki which option is related with houseboat. Okay, so now option A is Shikara. So beta, everyone tell me Shikara is related with houseboat, yes or no? So we know very well na ki yes, Shikara is one type of houseboat hai na, that we can see in Dal Lake hai na, in Srinagar, right? Yes. So Shikara is our right answer. So here in third blank we will write here option A, okay, because that is our right answer. So you got it number 3. Okay, now number 4, igloo. Okay, so now we have only two options, okay, that is B and C. So let's see, B is related with igloo or no? Not. So multi-storied building. So beta, it is related with igloo. So we know very well ke no. Now option C is snow house. So now beta, everyone tell me snow house is related with igloo, yes or no? So we know very well na ki yes, because igloo is also known as snow house hai na. Yes. So option C, snow house, is our right answer. So here in fourth blank we will write here option C. Okay, got it. Okay, now number 5 and last, pakka house. So now let's see which option is related with pakka house. So beta, we have only one option, that is option B. So let's see that is right or wrong. So option B, multi-storied building. So beta, tell me this sentence is related with pakka house, yes or no? So we know very well ki yes, multi-storied building hai na, this is related with pakka house, because multi-storied building is the example of pakka house hai na, that is why. Okay, yes. So our right answer is option B. So here in last blank we will write here option B. Okay, yes. So now beta, everyone tell me question number 4 match the following. Everyone got it well? Okay, so now next question.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके सो नाउ बेटा एवरीवन टेल मी इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू. सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस हैज गिवन हियर एंड वी हैव टू राइट डाउन द वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चन है ना. एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस. ओके यस सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस वन बाय वन. सो क्वेश्चन नंबर 1 Why do we need a house? Okay, yes. So now, beta, in this question here, what is asking to us? Here asking to us, ke why do we need a house? Okay, yes. So, beta, why do we need a house? So we know very well, na, ke we need a house to protect us from heat, cold, rain, hai na, animals, thieves, these all things, hai na? Yes. So and you know they protect us, hai na? Yes. और उनसे हमें कितनी सेफ्टी मिलती है राइट यस. सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू राइट डाउन इन इंग्लिश. ओके सो नाउ लेट्स सी बेटा हाउ वी विल राइट अवर आंसर. ओके सो अवर आंसर इज वी नीड अ हाउस. वी नीड अ हाउस टू protect we need a house to protect us from heat, cold, rain, snow, animals and thieves and robbers hai na. So animals and thieves. So what is the spelling of thieves beta? So thieves thieves. Okay yes. So we need a house to protect us from heat, cold, rain, snow, animals and thieves. Okay. We need shelter. We need shelter to stay in the house. We need shelter to stay in the house for our safety. Okay, yes, that is why we need a house. Okay, yes. So now beta, what is our answer? So our answer is we need a house to protect us from heat, cold, rain, snow, animals and thieves. We need a shelter to stay in the house for our safety. Okay, yes. So beta, you got it, the answer of question number 1. Okay, so now next question, that is question number 2. So now let's see what is our question number 2. So question number 2 is name the different types of houses. Okay, yes. So now beta, here in this question, what is asking to us? Here asking to us ki name the different types of houses, hai na? So beta, we know very well na ki there are so many types of houses like bungalows, flats, houseboat, bungalow, multi-storied building, hut, igloo, hai na? Yes. So same thing here we have to write down in English. Okay, so now let's see how we will write our answer. Okay, so our answer is we will start from here the different types. The different types of houses are bungalows, flats, houseboat, igloo, hut, Bungo is the traditional house of Gujarat, hai na? Yes, Bungo, multi-storied building. So what is the spelling of storied? S-T-O-R-E-Y-E-D, storied building and
कैरावन है ना, यस कैरावन एटसेट्रा. ओके यस. सो बेटा देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस है ना, यस दैट वी नो वेरी वेल. सो व्हाट इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू? सो अवर आंसर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर बंगलोज, फ्लैट्स, हाउस बोट, इग्लू, हट, भूंगो, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड कैरावन एटसेट्रा. ओके यस. सो बेटा यू गॉट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू. ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री. सो नाउ लेट सी व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर थ्री. सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज अ पक्का हाउस. ओके गिव टू एग्जांपल्स. यस नाउ बेटा इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग टू अस, व्हाट इज आस्किंग टू अस, हियर आस्किंग टू अस के व्हाट इज मीन बाय पक्का हाउस. मीन्स हियर वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पक्का हाउस. ओके एंड वी हैव टू गिव ऑल्सो टू एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउस. ओके यस. सो बेटा व्हाट इज कॉल्ड पक्का हाउस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पक्का हाउस. सो वी नो वेरी वेल ना कि पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रेक, सीमेंट, वुड और आयरन है ना. यस एंड बंगलो, फ्लैट, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउसेस. ओके सो नाउ लेट्स राइट अवर आंसर. सो अवर आंसर इज पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड और आयरन है ना. यस दे आर, वेर दे फाउंड, सो वी नो वेरी वेल कि दे आर फाउंड, दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज है ना. यस दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड cities. yes for example, so we know very well ke there are so many examples of pakka house hai na, so, but here we have to write down only two names. So beta here in our exercise sheet we will write here bungalow and flat hai na. yes so what is the spelling of bungalow? So b u n g a l o w bungalow and flat. ओके यस सो यू गॉट इट. ओके सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अवर आंसर. सो पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड और आयरन. दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. ओके एग्जाम्पल बंगलो एंड फ्लैट. ओके इन योर एग्जाम बेटा यू कैन राइट हियर एनी एग्जाम्पल. ओके बट हियर इन अवर एक्सरसाइज शीट वी विल राइट हियर बंगलो एंड फ्लैट. ओके यस सो नाउ यू गॉट इट बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री. ओके नाउ नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर फोर. सो क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज कच्चा हाउस, गिव वन एग्जांपल. ओके यस सो नाउ बेटा इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग टू अस, हियर आस्किंग टू अस के व्हाट इज मीन बाय कच्चा हाउस. ओके मीन्स हियर वी हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कच्चा हाउस एंड हियर वी हैव टू गिव वन एग्जांपल ऑल्सो. ओके सो बेटा व्हाट इज मीन बाय कच्चा हाउस? सो वी नो वेरी वेल ना कि कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रो है ना. यस एंड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हट है ना, हट इज द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस राइट. यस सो नाउ लेट्स राइट अवर आंसर. सो अवर आंसर इज कच्चा हाउस इज मेड ऑफ, कच्चा हाउस इज मेड ऑफ, कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रो. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्ट्रो बेटा? सो एस टी आर ए डब्ल्यू स्ट्रो. ओके यस दे आर मोस्टली फाउंड, वेर दे आर फाउंड, सो वी नो वेरी वेल दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस है ना. यस दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. फॉर एग्जाम्पल वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस? सो वी नो वेरी वेल हट. ओके यस सो बेटा एवरी वन गॉट इट नंबर फोर. ओके सो नाउ लेट्स सी वॉट इज अवर आंसर. सो अवर आंसर इज कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रो, दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस फॉर एग्जाम्पल हट. ओके सो यू गॉट इट नंबर फोर बेटा.
ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5. सो अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द कैरावन. ओके यस सो बेटा वॉट इज हियर वॉट इज आस्किंग हियर सो ही आर आस्किंग टू अस के हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रॉम द कैरावन है ना. यस सो बेटा हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द कैरावन. सो वी नो वेरी वेल ना कि हाउस अ हाउस इज ऑन बोर्ड दैट इज कॉल्ड हाउस बोट. ओके वेर एज अ हाउस ऑन व्हील्स दैट इज कॉल्ड कैरावन. ओके यस सो नाउ लेट्स राइट अवर आंसर. सो अवर आंसर इज अ हाउस on boat, a house on boat is called houseboat, है ना? Yes. Whereas a house on wheels is called caravan, है ना? Yes. So बेटा you got it? Okay, yes. So what is our answer? So our answer is a house on boat that is called houseboat. Okay. Where is a house on wheels? Okay, that is called caravan. Okay. So you got it, beta, the answer of question number 5. Okay. Now next question and our last question. Okay. So let's see what is our next question. So next question is question number 6. What is an igloo? Okay, yes. So now here what is asking to us? Okay, what is an igloo? Okay, means here we have to write down about igloo. Okay, okay, what are called igloo? Okay, so beta, we know very well that igloo is a house that is made up of blocks of ice and snow. Hai na? Yes, that is called igloo. Okay, yes. So now let's write our answer. So our answer is an igloo is a house made up of blocks of ice and snow. Okay, that is called igloo, hai na? Yes. So beta, everyone got it? Okay, so what is our answer? So our answer is an igloo is a house that is made up of blocks of ice and snow, hai na? Yes, that is called igloo, hai na? And igloo is also known as snow house. Okay, yes. So beta, here ye jo hamari exercise sheet hai, okay, wo finish hoti hai. So I hope ki aap logo ko easily and acche se samajh mein aaya hoga. So thank you, bye bye, take care, stay home, stay safe, stay healthy.